सबसे रूड। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की एक सुबह सुबह की चाय है पकोड़े के साथ, तो आप सब खा लीजिए। खास करके सब ना बरसात के मौसम में अच्छा लगता है मुझे, बरसात जब भी आ होती है ना बारिश, तो पकोड़े और चाय मुझे मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं हमेशा बनाते रहती हूँ ऐसे। अरे देखिए हस्बैंड यहाँ पे पैक कर रहे हैं, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। आप सब बने रहिएगा ब्लॉग के लास्ट तक, आपको पता चलेगा और स्किप मत कीजिएगा, है ना, विदाउट स्किप फुल वॉच कीजिएगा। अभी सुबह सुबह हो रही है, देखिए मेरी तबीयत अब थोड़ा बहुत सही है और आज हस्बैंड जा रहे हैं, अब हम सबको अकेले छोड़ के जा रहे हो। अब जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा ब्लॉग अच्छा लगता होगा तो बेल आइकन ऑल के साथ प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर ब्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप सब उसे वॉच कर सको, है ना, और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और फिर यहाँ पे मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करने लग गई थी ना कि क्या बताऊँ, जाते जाते मतलब होता है ना इमोशनल वाला सीन ना हो पाए, हम लोग वीडियो को देख के कम से कम रो नहीं पाए। लेकिन जा रहे दोस्तों पैसे कमाने, सबसे दूर और यहाँ पे ना मैं यही ट्राई कर रही थी कि हस्बैंड रोए नहीं, और इसीलिए मैं वीडियो भी रिकॉर्ड पे लगा दी थी। अरे यहाँ पे शूट करके ये छोड़े नहीं थे, बंद नहीं किए थे और मुझे पता भी नहीं था। और मैं यहाँ पे बोल रही थी हस्बैंड को कि अभी फ़ोन नहीं आया है तो मत जाइए ना, क्यों जा रहे हैं, तो ये बोल रहे नहीं आ जाएगा फ़ोन, चला जाऊँगा, अब नहीं रहूँगा मुझे क्या अभी। और मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो सुबह में एडिटिंग कर रही हूँ इसलिए कि रात में बेटी के साथ एडिटिंग करती तो ये सब देखकर थोड़ा वो भी इमोशनल हो जाती, क्योंकि हस्बैंड गए तो बेटी से मिलके नहीं गए थे, वो स्कूल में थी इसीलिए, और हस्बैंड मतलब इमोशनल तो हो रहे थे बट मेरे सामने कोशिश कर रहे थे कि वो ना रो पाए। और मैं भी बहुत कोशिश की कि नहीं रो पाऊँ, क्योंकि वीडियो चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो हंसी भी आ रही थी, हम दोनों एक दूसरे को हंसा रहे थे कि हंस जाए कम से कम जाते वक्त, है ना। और ये मैं इसलिए अपलोड कर रही हूँ, पब्लिक कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा ना ये एक मेमोरी बन कर रहे, यादगार बन के रहे, ताकि हम लोग कल भी देखें तो कभी लड़ाई झगड़ा भी हो आपस में तो ये सब देख कर दुनिया मिट जाए। और यहाँ पर भगवान जी से प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, फिर यहाँ पे हम लोग क्या बताएं, बहुत ज़्यादा अपने आप को रोक नहीं पाए और हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा रोने लगे थे, तो हो जाता है ना, क्यों इंसान को इतना दूर जाना पड़ता है, गरीबी ऐसी चीज़ होती है ना, हम लोग गरीबी बहुत नज़दीक से देखे दोनों पति पत्नी, और बहुत
बहुत नज़दीक से देखे हैं। ऐसा ऐसा दिन आया है हम लोग का कि एक एक दिन कभी कभी हम लोग को भूखे भी रहना पड़ा था। तो बस यही सोच रही थी मैं, इनसे बार बार बोल रही थी, लेकिन क्या किया जाए, नसीब में जो होता है वही होता है ना। और हस्बैंड जा रहे थे, हाँ जी, हम लोग को छोड़कर अकेले ये ट्रक पे जा रहे थे फिर से दोबारा से वही ज़िंदगी शुरू करने, क्योंकि बस से इनका गुजारा नहीं हो रहा था, क्यों बस में बहुत कम पैसा मिल रहा था सैलरी, उससे हम लोग को नहीं हो पा रहा था। हर महीने किसी से कर्ज लेने से अच्छा है खुद कमाना, है ना। तो बस हस्बैंड जी बोले, मुझे भी बोले, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं था मेरी, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन में लग रहे थे और बार बार मुझे समझा भी रहे थे कि खाते पीते रहना, अच्छे से रहना, और तसल्ली भी दे रहे थे और खुद टूट भी रहे थे। मतलब क्या, हम दोनों पति पत्नी ही एक दूसरे के सुख दुख के साथी, और उनके पास थोड़ी सी पैसे भी नहीं थे जाने के लिए, तो मैं कभी इधर देख रही थी कि पर्स में कुछ मिल जाए, फिर बेटी के गुल्लक में कुछ पैसे थे उससे, मतलब जैसे तैसे करके किराया ये गए हैं। और बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि अब मुझे, हम दोनों को या हमारी इस फैमिली को अब और दुख ना दिखाए। मैं बहुत मुश्किल से रह पाती हूँ, उनके बिना नहीं रह पाती मैं, और भगवान से यही दुआ करूँगी हम दोनों का प्यार ऐसे ही बना के रखे। और यहाँ पे मैं पैर छू रही थी, बोल रहे थे अब हंस जाओ, हंसते हंसते विदा करो, अच्छा लगता है, रोवा नहीं करो, रोना नहीं कभी, बहुत समझाए हमको। मैं भी क्या करूँ, मैं अरे बता भी रहे थे, याद भी दिला रहे थे बार बार कि वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, लेकिन इसलिए ना कि ताकि मैं रो ना, लेकिन कैसे ना रो। अभी भी मैं इसको शूट कर रही हूँ ना, तो एडिट कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत अफसोस लग रहा है, क्यों भगवान इतनी ऐसे कर देते हैं, मैं नहीं रह पाती, क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना मुझे एक बच्चों की तरह रखते हैं और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, मेरी हर चीज़ पूरी करते हैं। वो कभी ये नहीं कहते तुम ये नहीं करो, वो नहीं करो, क्या बताऊँ उनकी जितनी तारीफ करूँ कम है। बस भगवान से तो मैं यही दुआ करती हूँ कि हम दोनों के बीच में कभी कोई तीसरी की नज़र ना लगे, किसी की बुरी नज़र ना लगे, क्योंकि दुनिया में ना बहुत बुराई और क्या गंदे लोगों, गंदे नज़रों की निगाहें बहुत ज़्यादा है आज की दुनिया में। तो वो चले गए उधर, मतलब बाहर निकल गए थे, तो मैं भी बाबू को लेने कर जा रही थी, तो फिर रास्ते में उधर ही से वो आवाज़ देते हैं, वीडियो चल रहा था, मोबाइल बंद कर देती तो फिर मैं बंद करने आ जाती हूँ। तो ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और लाइक।